साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को राजनीतिक मसलों से दूर ही रहना पसंद है और ठाकरे परिवार की टसल पर तो कभी भी अमित ठाकरे ने टिप्पणी नहीं की। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और तो संजय राउत कई बार राज ठाकरे पर गंदी टिप्पणी कर चुके हैं, मगर अमित ठाकरे ने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। मगर इस बार पहली बार अमित ठाकरे बुरी तरह बिफर गए। चाचा उद्धव ठाकरे के शर्टलेस सपोर्ट वाले बयान पर अमित ठाकरे भड़क उठे और अमित ठाकरे ने न सिर्फ चाचा उद्धव को खूब खरी खोटी सुनाई बल्कि आदित्य ठाकरे के तो राजनीतिक करियर पर ही सवाल उठा दिया। अमित ठाकरे ने आदित्य ठाकरे का करियर खत्म करने की कसम तक खा ली। तो आखिर अमित ठाकरे को क्यों आया गुस्सा? उद्धव की बदजुबानी पर अमित ठाकरे ने और क्या क्या कहा, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ठाकरे परिवार में सियासी दुश्मनी गहरी होती दिख रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने पहली बार अपने चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पलट कर जवाब दिया है और उनके शर्टलेस सपोर्ट की तीखी आलोचना की है। अमित ठाकरे ने कहा कि जब अपने बेटे को विधायक बनाना था तब उन्हें शर्टलेस सपोर्ट अच्छा लग रहा था और अब उन्हें ये अनैतिक लग रहा है। अमित ठाकरे ने चाचा उद्धव को कहा कि ये मत भूलना कि हमारे इसी सपोर्ट की वजह से आपका बच्चा विधायक बन पाया। दरअसल 19 जून बुधवार को उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 58वें स्थापना दिवस पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज ठाकरे के उस कदम की आलोचना की जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बिना किसी शर्त के एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया था। उद्धव ठाकरे ने इस समर्थन को शर्टलेस सपोर्ट करार दिया और राज ठाकरे के समर्थन का खूब मजाक बनाया, बद्दी टिप्पणी भी की। अब चाचा उद्धव ठाकरे की बदजुबानी को सुनकर अमित ठाकरे बेहद नाराज हो गए। अमित ठाकरे से जब मीडिया कर्मियों ने चाचा उद्धव के इस हमले के बारे में पूछा तो अमित ठाकरे भड़क उठे और मीडिया के सामने अमित ठाकरे ने कहा, मुझे तो उद्धव ठाकरे जी के अनशटर्ड सपोर्ट मजाक को समझने में ही पहले 10 मिनट लग गए क्योंकि वर्ली में भी राज ठाकरे ने उन्हें इसी तरह बिना शर्त समर्थन दिया था। अमित ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उस वक्त भी राज ठाकरे ने उन्हें इसी तरह की मदद की थी जब उन्हें अपने बच्चे को विधायक बनाते समय ऐसा नहीं सोचा तो वो अब ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। अमित ठाकरे ने चचेरे भाई आदित्य ठाकरे को भी ललकारते हुए कहा कि इस बार उन्हें वर्ली विधानसभा सीट पर अपनी औकात समझ में आ जाएगी। अमित ठाकरे ने कहा, अब जब चुनाव होने में 3 महीने रह गए तब वहाँ काम करने से कुछ नहीं होने वाला, एक विधायक को 5 साल मिलते हैं। कोरोना के बाद उन्हें इस तरह से वर्ली में घूमते नहीं देखा गया था, जिस तरीके से वो आजकल घूमते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से एक विधायक को अपने क्षेत्र में घूमना चाहिए। अमित ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने बड़ी उम्मीदों के साथ आदित्य को समर्थन दिया था लेकिन हमें अपनी गलती समझ में आ गई है कि एक बच्चा बच्चा ही होता है, उसके कंधे पर विधायक की जिम्मेदारी नहीं रखनी चाहिए थी। अमित ठाकरे ने यहां पर दावा किया कि आदित्य ठाकरे इस बार वर्ली से किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पिछली बार तो राज ठाकरे के समर्थन से जीत गए थे लेकिन इस बार वर्ली से आदित्य ठाकरे का पत्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। यहां आपको बता दें कि एमएनएस ने बीजेपी को जिन सीटों पर अपना दावा किया था उनकी लिस्ट सौंपी थी और उसमें वर्ली भी शामिल है। चर्चा है कि एमएनएस यहां से संदीप देशपांडे को उतार सकती है। हालांकि अमित ठाकरे ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अमित ठाकरे ने कहा कि राज ठाकरे ने अपने दम और मेहनत के बल पर एमएनएस को खड़ा किया है, उनके हौसले बड़े हुए हैं और किसी की भी बदजुबानी या भद्दी टिप्पणी से उनके हौसले कम नहीं होने वाले। तो आपको क्या लगता है, अमित ठाकरे ने जो कुछ कहा वो सही है? अपने वक्त पर उद्धव ठाकरे को जो शर्टलेस सपोर्ट अच्छा लग रहा था, अब उद्धव उसी शर्टलेस सपोर्ट पर राज ठाकरे का मजाक क्यों बना रहे हैं? क्या चाचा उद्धव को अमित ठाकरे ने बिल्कुल सटीक और करारा जवाब दिया है? अमित ठाकरे के इस रिएक्शन पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। अब मोदी कैबिनेट ने एक अहम प्रोजेक्ट पर अपनी मोहर लगाई है। महाराष्ट्र के पालघर में प्रस्तावित बधावन डीप सी प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की अनुमति मिल गई है। अब 76,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया जाएगा। पोर्ट के बनने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के 12 लाख अवसर क्रिएट होंगे। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार इस पोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध कर
कर रहे थे, लेकिन मोदी कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। पोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले उद्धव ठाकरे की अब रात की नींद और दिन का चैन लगभग खत्म हो चुका है। दरअसल मार्च 2024 में यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्थानीय मछुआरों के विरोध का हवाला देते हुए बधावन पोर्ट को रद्द करने की कसम खाई थी। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए भी कहा था कि बधावन पोर्ट पर पहले जब साल 1995-99 के दौरान शिवसेना और बीजेपी सत्ता में थी तब भी विचार किया गया था, लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने निजी रूप से इस क्षेत्र का दौरा किया है और 90 के दशक से अंत में ग्रामीणों और मछुआरों से बात भी की है और कोई नहीं चाहता कि ये पोर्ट बने। उद्धव ठाकरे ने रैली में कहा था कि अगर स्थानीय लोग और मछुआरों की चिंताओं को ध्यान में रखे बिना बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा तो हम इस सरकार पर लोगों का बुलडोजर चलवाएंगे। यानी कि यहाँ पर उद्धव ने कसम खाई थी कि अगर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ तो वो स्थानीय लोगों और मछुआरों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के काम पर ही बुलडोजर चलवा देंगे। उद्धव ठाकरे के बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर तेवर दिखाने के बावजूद पालघर में बीजेपी को जीत हासिल हुई। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद हेमंत सारवा ने 16 जून को ही कहा था कि बधावन पोर्ट को लेकर तमाम तरह की बाधाओं को दूर किया जाएगा और हेमंत सारवा की इस बात को कहने के कुछ घंटों बाद ही मोदी कैबिनेट ने बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी और 76,000 करोड़ का बजट भी पास कर दिया। अब मोदी कैबिनेट का इस पोर्ट को लेकर पूरा फैसला क्या है ये भी देख लीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र के पालघर में बधावन पोर्ट को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट 76,200 करोड़ रुपए का होगा। यहाँ कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा होगी, इससे पोर्ट के आसपास के क्षेत्र में 12 लाख रोजगार का सृजन होगा। पोर्ट के आसपास रेलवे और हवाई अड्डे की शानदार कनेक्टिविटी होगी। ऐसे में इसे देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे और मेगा कंटेनर पोर्ट होगा। इस पोर्ट का पहला फेज 2029 में पूरा होगा। दावा किया जा रहा है कि ये पोर्ट विश्व के टॉप 10 बंदरगाहों में से एक होगा। अब इतने बड़े पोर्ट का उद्धव ठाकरे की पार्टी साल 1995 से विरोध कर रही है। अब ये बनने जा रहा है तब भी उद्धव इस पर बुलडोजर चलाने की बात कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बंदरगाह बनना चाहिए या फिर उद्धव ठीक कह रहे हैं? इस पोर्ट के बनने से मछुआरों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।